जहां मुल्क को जुलाई 2023 के दौरान नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के तहत 74.7 मिलियन डॉलर वसूल हुए, वहां दूसरी तरफ पीडीएम हुकूमत ने इसी जुलाई के महीने में 4.09 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया, जबकि पिछले साल इसी मुद्दत के दौरान सिर्फ 185 मिलियन डॉलर लिए गए थे, जिसके बाद अब मुल्क का मजमूई कर्जा 200 अरब डॉलर से तजावुज कर गया है। इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के आदाद व शुमार के मुताबिक जुलाई के महीने में 1.2 बिलियन डॉलर IMF से मौसूल हुए, जबकि 2 बिलियन डॉलर सऊदी अरब से लिए गए। आदाद मजीद बताते हैं कि पीडीएम हुकूमत ने रवा माली साल के लिए 17.38 अरब डॉलर का मजीद कर्जा लेने का फैसला किया था, और पीडीएम हुकूमत ने माली साल 2022-23 के दौरान गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों से 2.2 अरब डॉलर समेत मुतअद्दिद मालियाती ज़राए जैसे IMF वगैरह से 10.84 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया, जिसमें दोस्त ममालिक के 6 अरब डॉलर भी शामिल हैं, जिसमें चीन से 3 अरब और सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर लिए गए। ताहम पीडीएम हुकूमत ने रवा माली साल में चीन से 18.54 मिलियन डॉलर लेना थे। इसी तरह सऊदी अरब से जुलाई के दौरान तेल की सहूलत की मद में 100 मिलियन डॉलर लिए गए, अमेरिका से 8.1 मिलियन डॉलर, कोरिया से 4.85 मिलियन डॉलर और फ्रांस से भी 0.56 मिलियन डॉलर की सहूलत ली गई। पाकिस्तान को दिसंबर तक 10.35 अरब डॉलर का कर्जे की अदायगी करनी है। अब जबकि निगरान हुकूमत की मुद्दत इलेक्शन के वक्त पे ना होने की वजह से गालबन 8 माह से भी तजावुज़ करती नज़र आ रही है, तो ये निगरान हुकूमत बगैर किसी अवामी दबाव के सख्त तरीन फैसले लेगी, जिसकी वजह से अवाम का निगरान हुकूमत से महंगाई और यूटिलिटी बिल्स की मद में किसी रियायत की उम्मीद करना नामुमकिनात में शामिल है, और आने वाला वक्त अवाम के लिए मजीद चैलेंजिंग होगा, जिसमें बेरोजगारी महंगाई में खातिरखा इजाफा नज़र आ रहा है। लग तो ऐसा रहा है कि बिल्कुल रिलीफ नहीं देगी, लेकिन अगर रिलीफ देना चाहे तो देखते हैं किस सेक्टर में रिलीफ मुतवक्का है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि बिल्कुल भी रिलीफ नहीं दिया जाएगा। अगर रिलीफ दिया भी जा सकता है तो IMF की कंडीशन को पूरा करने की वजह से चाहकर भी ये रिलीफ नहीं दे सकते। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।